गाइस, आज हम लोग वापस आ गए हैं ट्यूटोरियल 2 के साथ, रोलैंड एसपी 404 मार्क 2। तो आज हम लोग इसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे। ये मैंने 8 ट्रैक का एक पूरा गाना सेट किया हुआ है, एक गाना को जो है मैंने 8 सैंपल्स कर दिए। एक इसमें स्टार्टिंग म्यूजिक है, मेन लूप है, बीच कट ब्रेक है। अब जैसे कि सिंगर बोलते हैं कि ऑन द स्पॉट जो है पिच चेंज करो, तो आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पिच कैसे सिंगल सिंगल चेंज होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये पूरे 8 खाने हैं, इसकी पिच एक साथ कैसे चेंज होगी। आपको ये नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ये फीचर बहुत इसमें हिडन है, लेकिन है इसमें फीचर कि आप पूरे ग्रुप का चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूरा एक टेम्पो का लूप भरा कॉर्ड के साथ, अब आप ये तो है नहीं कि आप एक एक करके सबका पिच चेंज करेंगे। आपको कोई ऐसी सेटिंग चाहिए कि जिससे सबका चेंज हो। तो जी हाँ, इसमें सेटिंग है। तो ये गीत जो मैंने आज इसमें सैंपल किया है वो है ऐसा समान ना होता। तो ये फर्स्ट म्यूजिक है, ये रिदम वाला लूप है, ये कट है, ये सेकंड म्यूजिक है, थर्ड म्यूजिक लास्ट। तो ये मैंने पूरा इसमें सैंपल करके रखा हुआ, वो भी आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप सैंपल कर सकते हैं इजीली अपने कंप्यूटर से। तो पहले मैं जैसे आपको एक सुना के दिखा देता हूँ। जैसे ये स्टार्टिंग म्यूजिक है, जैसे गाना स्टार्ट होता है, और ये सेकंड लूप है रिदम वाला, ये रिदम लूप है ऊपर, फर्स्ट म्यूजिक, ये फर्स्ट म्यूजिक है आपकी, ये सेकंड म्यूजिक है, ये कट है, और ये मेन लूप है। तो ये जैसे मैंने पूरा सैंपल करके रखा हुआ है, अब सिंगर बोले कि मेरे को इस पूरी की पिच चेंज चाहिए, तो सबसे पहले आप करेंगे ये पिच एंड स्पीड वाला, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होता है सैंपल एडिट के पोर्शन में, ये पिच एंड स्पीड, आप इस पे गए तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें दिखा रहा है +0, मतलब कि नहीं है हमारी पिच चेंज। उससे पहले एक चीज आप लोग सभी ध्यान रखा करिए कि इसको हमेशा 0 पे करके रखा करिए बीच में, तक क्योंकि अब जब यहाँ पे चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। ये सारे नोब सेंटर में रखा है। अब जैसे पिच एंड स्पीड में हम लोग गए, अब एक एक करके, तो वाला मैंने आपको बताया था कि एक आप प्ले करेंगे तो उसका सैंपल का पिच चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये केवल ये है, बाकी जो है सब ओरिजिनल पे है। तो इसको जो करने का तरीका है वो ये है कि पिच एंड स्पीड में आपको रहना है, और ये आप यहाँ पे आ जाइए कॉपी बटन, जो कॉपी है ये मल्टीपल काम करता है, आपको लगे केवल कॉपी करते नहीं। अब देखिए, मैंने कॉपी बटन दबाया तो आठों के आठों सैंपल्स आपने जो फिल किए होंगे वो, क्योंकि एक ग्रुप में होते हैं तो वो ब्लिंक करने लगेंगे। इसका मतलब कि आप जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो पूरे 8 खाने या 16 के 16 खाने पे होगा। जैसे इन केस मेरे पास 8 खाने जिसमें पूरा गाना भरा हुआ है, अब मुझे इसका स्केल एक साथ चेंज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये कॉपी वाला बटन दबाया मैंने, ये देखिए ये मैंने -1 कर दिया ऊपर, कॉपी वाला बटन दबा के अब मैंने छोड़ दिया। अब मैं प्ले करूंगा 13 नंबर, ये देखिए 13 नंबर भी -1। अब 14 नंबर प्ले करूंगा मैं, ये भी -1। 15 नंबर, ये भी -1 चल रही, ये भी -1 चल रही, देखिए आपने देखा कि कैसे मैंने पूरे गाने का एक ही बार में पिच चेंज कर दिया। अब वापस करने के लिए कुछ नहीं, बस आप कॉपी दबाएंगे और हम लोग आ गए अपने वापस नॉर्मल पिच पे। तो ये ओरिजिनल पिच पे चल रहा। तो इस तरह हम लोग पूरे ग्रुप का, या फिर आप कह सकते हैं पूरे एक बैंक का सैंपल एक साथ चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब जब हम लोग पिच एंड स्पीड में, तो यही सेम ऑपरेशन आप टेम्पो में भी कर सकते हैं। मतलब कि कॉपी वाला बटन दबाकर आप 8 खाने का टेम्पो, वॉल्यूम, ये तीनों ऑपरेशन अगर आपको इन 16 खाने परफॉर्म करने हैं तो आपको ये कॉपी बटन दबाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका ब्लिंक करेगा, आप कोई भी ऑप्शन परफॉर्म करेंगे वो सब पे अप्लाई होगा। तो ये एक सही तरीका है।